न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। आदर्श ग्राम की सूची में शामिल टोंटो प्रखंड के सिरिंगसिया गांव में उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज आदर्श ग्राम को लेकर एक बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, ITDA निदेशक शशि भूषण मेहरा, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन, सिरिंगसिया पंचायत की मुखिया बालेमा लागुरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवराम भगत, मानकी मुंडा और ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त निगम सभी विभागों के पदाधिकारियों को विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गांव का भ्रमण करने को कहा, ताकि योग्य सभी लाभुकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार योजना से आच्छादित किया जा सके। ग्रामीणों को राशन कार्ड, आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी समय से उपलब्ध करवाने को कहा गया। उपायुक्त ने कहा कि आदर्श ग्राम बनवाने के लिए गांव में समुचित पेयजल की व्यवस्था, आवागमन हेतु सड़क निर्माण और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। आदर्श ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल केंद्र, आवास, शौचालय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंधु प्रकाश पॉल, उनकी पत्नी और 8 साल के बेटे की जघन्य हत्या पर चाईबासा में भी आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। बजरंग दल का कहना है कि इस घटना से पूरे देश का हिंदू समाज आहत हुआ है। बंगाल वहां के हिंदू समाज के लिए आतंक का पर्याय बन गया है। वहां के आतंकियों को राज्य सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है। विहिप और बजरंग दल ने राष्ट्रपति से पश्चिमी बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही हत्याकांड की CBI जांच कराकर हत्यारों को मृत्युदंड देने, पश्चिमी बंगाल में NRC लागू करने, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने, नागरिकता बिल में संशोधन कर बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को भारत में नागरिकता देने और उनका संरक्षण करने, पश्चिमी बंगाल में रहने वाले राष्ट्र विरोधी और सामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा हॉट मैदान में जंगल आंदोलन के प्रणेता शहीद देवेंद्र मांझी की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिसोम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन सहित झामुमो के अन्य बड़े नेता शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने कहा कि जल, जंगल व जमीन हमारी पहचान है, इसकी रक्षा करें। झामुमो ने आदिवासी मूलवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष किया और झारखंड अलग राज्य का निर्माण कराया। स्थानीय लोगों, आदिवासियों व मूलवासियों की भावनाओं को समझकर ही राज्य का विकास हो सकता है। शिबू सोरेन ने कहा कि राज्य की खनिज संपदा को किसी को भी लूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासियों के जीवन में बदलाव के लिए उन्हें शिक्षित व जागरूक किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। गरीब हो या फिर अमीर, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दे। कार्यक्रम में पहुंचे विशेम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन और विधायक जुबा मांझी, शशि भूषण सामण, दीपक बिरवा, निरल पूर्ति ने देवेंद्र मांझी को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास झामुमो नेताओं के निशाने पर रहे। झामुमो नेताओं ने उन्हें बाहरी करार दिया। श्रद्धांजलि सभा में प्रत्येक साल सामाजिक परंपरा की झलक दिख जाती है। दूरदराज से आए ग्रामीणों ने विधायक जोबा मांझी को उपहार में कपड़े, चावल व पैसे दिए। यह रस्म पिछले 24 सालों से निभाई जा रही है। सदर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नागेश्वर सिंह ने नगर पालिका क्षेत्र और
सदर प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु आवेदन देने के संबंध में जानकारी दी गई। ई विद्या वाहिनी 2 ऐप के माध्यम से विद्यालय सूचना विभाग को समर्पित करने के बारे में भी बताया गया। बताया गया कि ऐप के माध्यम से ही मध्याह्न भोजन योजना की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट की जानी है। डीबीटी से पोशाक हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए बच्चों का बैंक खाता विवरण जमा करने के बारे में जानकारी दी गई। विश्व हैंड वॉशिंग दिवस के अवसर पर महिला कॉलेज परिसर में बीएड और एनएसएस की ओर से नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए हाथों की सफाई के महत्व को बताया गया। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर काशीनाथ प्रधान ने सभी छात्राओं को हाथ की सफाई के बारे में बताया। कहा कि भोजन के पूर्व और भोजन के बाद तथा शौचालय के पश्चात अच्छी तरह से हाथ को साफ करना चाहिए, क्योंकि गंदे हाथ के प्रयोग से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर ने छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। जगन्नाथपुर पुलिस ने चोरी के दो पहिया वाहन के साथ ब्रह्मपुर गांव निवासी आरोपी दशरथ देवगम को गिरफ्तार किया है। गाड़ी मालिक के बयान पर जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव 2019 में झारखंड जनरल कामगार यूनियन और आदिवासी क्रांतिकारी महासभा संयुक्त रूप से अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा और महासचिव अंजनी पांडे की उपस्थिति में आज एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा की गई। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि हम पूरे राज्य में 20 सीटों पर और कोल्हान की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला प्राकृतिक रूप से बहुत धनी है, इसके बावजूद यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ पूरा सिस्टम फेल है, कोई भी विधायक इन बातों को नहीं उठाता है। ना तो 5वीं अनुसूची का पालन हो रहा है और ना ही पेशा कानून को लागू किया जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि करोड़पति हो गए हैं, लेकिन जनता फटेहाल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। आज जो हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें दो मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि ये जो 2019 का विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग झारखंड जनरल कामगार यूनियन और अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा का संयुक्त तत्वाधान में हम लोग प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, जिसमें से पूरे कोल्हान से करीब 7 हम लोग प्रत्याशी दे रहे हैं और पूरे झारखंड में हम लोग करीब 20 प्रत्याशी उतारने हम लोग जा रहे हैं। मेरा कहना है कि ये जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, यह जिला पूरे भारत देश का अनोखा जिला है, जो सबसे धनी जिला है, लेकिन आज़ादी के 72वां साल में भी यहाँ के लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर सारा सिस्टम फेल है, लेकिन इसके सवाल पर कोई भी विधायक आज तक बात को नहीं उठाया। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट का फैसला है, जो पेशा कानून है 5वां अनुसूची के तहत, जो एकदम यहाँ को आदिवासियों को विकास करने का जो गाइडलाइन है, कहीं पर भी अमल पर नहीं है। मेरा कहना है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप देख सकते हैं मधुकुड़ा 4000 करोड़ का मालिक हो गए, आज दीपक बिरुआ आज हजारों करोड़ का मालिक हो गया, जितने भी विधायक सांसद बन रहे हैं सारे लोग मालिक हो रहे हैं पैसा का, लेकिन जो वोटर हैं, जो जमीन मालिक है, जिनके जमीन से यहाँ खनिज निकल रहा है, आज वो फटेहाल हैं। हम लोग ये इन्हीं मुद्दों पर, भूख और गरीबी का सवाल पर, हर खेत में पानी का सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, 5वां अनुसूची समता जजमेंट का सवाल पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ का आवाज को सदन तक उठा करके विकास के लिए हम लोग चुनाव पर अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।